ये आप चेक करो, इस पे जो डिज़ाइन है, जो नक्काशी की गई है, अतुलनीय है एकदम। इसका वर्णन करना तो असंभव सा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने में लगता है। और इसकी जो वज़न है वो भाई बताया नहीं जा सकता कि कितने वज़न के ये पत्थर होंगे, कितने टन के, ये देखिए आपको देखने को मिलेगा। चाचा सीताराम, तो चाचा आप कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? 6-7। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। तो यहाँ पर काम करके आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। A few moments later, जैसे आप इंटर हो गए तो आपको सीधा आपको ऊपर देखने को मिलेगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला। तो गाइस जैसे मैं गेट से थोड़ा सा आगे आता हूँ तो कुछ इस तरीके का व्यू मुझे देखने को मिलता है, और आप भी देख पा रहे होंगे ये जो सिलाएं आपको देखने को मिल रही हैं, ये सिलाएं बहुत ही पुरानी सिलाएं हैं जो आप उस साइड देखने को मिल रहा है, और ये भी सिलाएं आपको बहुत ही पुरानी देखने को मिलती हैं। ये सिलाएं आपको देखने को मिल रही है, इसे आप ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से दर्शन कर लीजिए। यही वो सिलाएं हैं जो भगवान रामचंद्र के राम जन्म कायदे से, इसको देख लीजिए और इसका दर्शन कर लीजिए। और इस पर जो नक्काशी आप देख लीजिए कितनी सुंदरता से इस पर नक्काशी और डिज़ाइन करी गई है, ये आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। और ये सिलाई जो आपको इतनी गंदी देखने को मिलती है, जो इस पर डस्ट लगे हैं, इनको आगे चल करके साफ़ किया जाएगा बिल्कुल। और आप इधर देखिए, ये सिलाई आप काउंट नहीं कर पाओगे कि कितनी ज़्यादा सिलाई हमारे इस कार्यशाला में रखी हुई हैं, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। चाचा सीताराम, तो चाचा आप कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? 6-7। कहाँ से हैं आप? राजस्थान से। तो यहाँ पर काम करके आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। एक सौभाग्य की बात है कि नहीं चाचा? और अभी प्रेजेंट टाइम पर जो सिलाओं की संख्या है वो कम हो गई है, उसके पीछे का एक कारण ये है कि जो राम मंदिर का कार्य है बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में उसका उद्घाटन होना है, तो इसलिए सारी सिलाएँ हैं वो चली गई हैं। और यहाँ पर आप चेक करो, आपको देखने को मिलेगा जो राम जन्मभूमि कार्यशाला में जो मज़दूर लोग हैं, और ये मज़दूर नहीं, ये इनका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये लोग जो है यहाँ पर काम करने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। आप इस तरीके से देख सकते हो कि यहाँ पर जो नक्काशी करने का काम चल रहा है, आप इसको कायदे से देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप ये चेक करो किस तरीके से यहाँ पर ये लोग नक्काशी का काम करते हैं, और इनके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि एक बहुत बड़े महासंग्राम में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये बहुत बड़ा टैलेंट है जो भाई लोग इस रूप में निखार करके दे रहे हैं, इस तरीके से देख सकते हो। और इधर मैं अपने कैमरे को रोटेट करूंगा तो आप देख पाओगे, आपको देखने को मिलेगा यहाँ भी तमाम प्रकार के ये कलाकार आपको देखने को मिलेंगे जो नक्काशी करने का काम करते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये आप चेक करो यहाँ पर किस तरीके से काम चल रहा है पत्थरों पर नक्काशी करने का, हथौड़ी और ये कुछ यंत्र है उसके माध्यम से ये लोग बहुत ही अच्छा डिज़ाइन जो है इस पत्थरों पर निखार कर देते हैं, जो कि अतुलनीय है, जिनका जो है वर्णन करना आई थिंक असंभव सा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, और इस साइड कैमरे को रोटेट करूँगा तो आप देख पाओगे, इधर भी आपको देखने को मिलेगा ये कुछ मापन टाइप का ये यंत्र है, इससे माप करके ये लोग जो है काम करते हैं। और ये वही सिलाएं हैं जो वहाँ पर आपको देखने को मिली जिस पर डस्ट जमे थे, यहाँ पर आने के बाद ये सिलाएं कुछ इस प्रकार की हो जाती हैं। ये आप चेक करो, आपको देखने को मिलेगा ये। तो कब तक ये काम पूर्ण हो जाएगा चाचा? ये तो हो जाएगा 2024 तक हो जाएगा। चलिए, तो 2024 तक राम मंदिर का जो निर्माण है वो पूरा हो जाएगा, और सारे पत्थर आपको जो देखने को मिल रहे हैं ये राम मंदिर में आगे चल करके लग जाएंगे। तो बने रहिए कंटिन्यूस ब्लॉग में। आगे मैं खाली हो चुकी है जगह, पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि राम मंदिर मैं बार बार कहने चाह रहा हूँ कि राम मंदिर पूरा जोरों शोरों से बनने वाला है और बनकर तैयार हो जाएगा, है ना। तो आप लोग के लिए बहुत ही हर्षोल्लास की बात है, हमारे लिए भी बहुत हर्षोल्लास की बात है कि राम मंदिर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। और ये सारी सिलाई जो आपको देखने को मिल रही है, यहाँ से जल्द ही नक्काशी होकर, साफ़ सफाई होकर, ये भी जो है राम मंदिर को चली जाएंगी, क्योंकि जो है प्रथम तल का काम वहाँ पर हो चुका है और दूसरे तल का काम स्टार्ट हो चुका, शुरू से चल रहा है। तो ये सारे सिलाएँ जो आप यहाँ पर डस्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये सारे डस्ट जो है साफ़ कर दिए जाएंगे, जैसा कि आपने आगे देखा कि कलाकार लोग लगे हुए हैं। और ये सिलाएँ आप चेक करो कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप चेक करो, इस पर जो डिज़ाइन है
है जो नकाशी की गई है अतुलनीय है, एकदम इसका वर्णन करना तो असंभव सा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर देखने में लगता है। और ये शिलाएँ देखिए कितने प्रकार, कितनी एक शिलाओं पे कितनी प्रकार की डिज़ाइन करी गई है, ये आप चेक कर सकते हो। इस साइड भी आप चेक करो कितनी ज़्यादा शिलाएँ यहाँ पर रखी गई हैं, ये आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत ही कायदे से दर्शन आप कर लीजिए इन शिलाओं का, क्योंकि यही वो शिलाएँ हैं जिनसे मिल करके एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होने वाला है और हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और ये शिलाएँ चेक करो, उन शिलाओं के पीछे भी ये शिलाएँ कुछ रखी गई हैं जो कि कोई वर्गाकार का है, कोई रेक्टेंगुलर है, कुछ ऐसे शिलाएँ आपको देखने को मिलेगी। इसको भी आप कायदे से चेक करिए, सारी शिलाएँ जा करके राम मंदिर में ही लगनी है। और जैसे मैं कारशाला के पीछे वाले भाग पे आता हूँ तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर खासकर महिलाएँ काम करती हैं। जिन महिलाओं की मैं बात कर रहा था, आपने बाहर गेट पर देखा उनकी छुट्टियाँ हो चुकी हैं, 4 बजे वो यहाँ से छूट जाती हैं, तो वो भी यहाँ पर काम करती हैं नकाशी करने का। ये देखिए किस प्रकार से इसको सेफ करके रखा गया, क्योंकि बारिश के पानी से इस पर नुकसान हो जाता है, तो इसको कवर अप करके रखा गया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इस साइड में अपने कैमरे को रोटेट करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी शिलाएँ देखने को मिलती हैं जो राम मंदिर को जानी हैं, है ना, जो राम मंदिर को जानी हैं। तो ये शिलाएँ आप देखिए कितने बड़े बड़े हैं, और इसकी जो वज़न है वो भाई बताया नहीं जा सकता कि कितने वज़न के ये पत्थर हो गए, कितने टन के, ये देखिए आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भाई पत्थर ही पत्थर थे, आप देखिए यहाँ पर सारे शिलाएँ जा चुके हैं, क्योंकि राम मंदिर इस बात का सबूत है कि राम मंदिर बहुत ही तीव्र गति से बन रहा है। ये देखिए ये सब शिलाओं की जो नकाशी है, जो इस पर डिज़ाइन है, बहुत ही सुंदर है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। और ये मशीन आपको देखने को मिलती है जो कारशाला में पत्थरों को उठाने और रखने का काम करती है, क्योंकि इसी जो है क्रेन के माध्यम से पत्थर को उठाकर जो है वहाँ पर ले जाया जाता है जहाँ पर नकाशी किया जाता है। तो ये इधर भी आप चेक करो, आपको तमाम प्रकार की सिलाएँ आपको देखने को मिलेंगी, इस तरीके से आप